हेलो, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नंबर्स के साथ केजी या नंबर्स के साथ रुपीस आदि कैसे लिखते हैं और इनको टोटल और इनका टोटल हम कैसे करते हैं, ये इस वीडियो में सीखेंगे। नंबर्स के साथ जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो ये टेक्स्ट में बदल जाता है, तो हम टेक्स्ट में फार्मूला नहीं लगा सकते, तो ये कैसे करेंगे ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कि हम यहाँ पे कुछ टोटल करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हमने 12 और आगे लिखा यहाँ पे हमने 20। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये देखो, मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, किसको मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है और साथ में कौन सा, ये मल्टीप्लाई करना है, और एंटर प्रेस किया तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन इसी काम को, जैसे इसको डिलीट किया, डिलीट करने के बाद जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा 2 kg, 2 kg के बाद यहाँ पे रेट में लिखा 1000 और इसके बाद रुपीस। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई करने हैं, तो यहाँ पे फार्मूला लगाया और यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद मल्टीप्लाई और इसको, और जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखो यहाँ पर ये टोटल नहीं आएगा, क्योंकि ये बता रहा है कि जो हमने नंबर्स लिखे हुए हैं वो एक टेक्स्ट है। यहाँ पर 2 kg जो हमने लिखा है नंबर्स के साथ जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो ये एक टेक्स्ट बन जाता है। ये देखो ये एक टेक्स्ट बन गया है। तो टेक्स्ट की नंबर्स के साथ एक्सेल में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, यही है, इसको पहले हम नंबर बनाएंगे। तो इसके लिए हमें कस्टम फॉर्मेट का यूज़ करना पड़ेगा। ये सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे रुपीस लिखने के लिए भी करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको मिटाएंगे, ये हमने यहाँ से डिलीट किया, इनको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे नंबर फॉर्मेट पे, इसके बाद मोर नंबर फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ये यहाँ पे 0 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 के बाद यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद हम यहाँ पे स्पेस देंगे, ये स्पेस दिया है यहाँ पे। स्पेस देने के बाद यहाँ पे डबल कोड लिखेंगे, ये डबल कोड लिखा, इसके बाद यहाँ पे kg लिखेंगे, kg ये लिखा डबल कोड, इसके बाद लिखा, ये डबल कोड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद अब जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो kg में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे हमने लिखा 2 के बाद एंटर प्रेस किया, ये देखो kg में आ गया, इसके बाद 3 लिखा या इसके बाद एंटर प्रेस किया, ये 3 kg यहाँ पे आ गया, इसके बाद 10 लिखा, इसके बाद एंटर प्रेस किया, ये देखो 10 kg, इसके बाद यहाँ पे हमने 20 लिखा, 20 लिखने के बाद एंटर प्रेस किया तो ये 20 kg, ये जो है ये नंबर में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर हम इनका टोटल करेंगे तो ये इनका टोटल यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे करेंगे, इनका सम करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू के बाद कौन कौन सा हमने ये सम करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे लिखेंगे सम लिखने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद कहाँ से लेके कहाँ तक इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद ब्रैकेट बंद की, ये ब्रैकेट बंद की, एंटर प्रेस किया, तो एंटर प्रेस करने के बाद ये देखो इनका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका टोटल यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे रुपीज़ कैसे लगाया जाता है, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे, कस्टम फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे 0 पे क्लिक करेंगे, 0 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद यहाँ पे स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद डबल कोड लिखेंगे, ये डबल कोड लिखा, इसके बाद यहाँ पे रुपीज़ लिखेंगे, ये देखो रुपीज़ लिखा और डबल कोड को यहाँ पे बंद किया। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे उसके पीछे रुपीज़ अपने आप ही लग जाएगा। ये देखो यहाँ पे भरते हैं नंबर, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1000, ये 1000 लिखा, इसके बाद एंटर प्रेस किया तो ये देखो यहाँ पे रुपीज़ अपने आप ही आ गया।
इसके बाद यहाँ पे आगे लिखा 1100, यहाँ पे लिखा एंटर प्रेस किया, ये देखो रुपीज़ आ गया। इसके बाद आगे 800, इसके बाद एंटर प्रेस किया, ये रुपीज़ आ गया। इसके बाद 900, तो इस तरह से हम रुपीज़ वगैरह लगा सकते हैं। अगर इन सभी का टोटल यहाँ पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सम, और यहाँ पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद कहाँ से लेके कहाँ तक सम चाहिए, जैसे ये रेंज सेलेक्ट की, ये रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद की, इसके बाद एंटर प्रेस किया, ये देखो इसका जो टोटल है इन सभी का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनका टोटल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इनका टोटल करना चाहते हैं, जैसे ये 2 kg है, यहाँ पे 1000 रुपीज़ है, इनका टोटल यहाँ पे करना है, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू के बाद किसका टोटल करना है, एक तो ये है इसका टोटल करना है, इसके बाद मल्टीप्लाई लगाने के बाद इसका टोटल करना है, ये करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखो इनका जो टोटल है दोनों का ये आ जाएगा। ये आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको नीचे ड्रैग करेंगे, ये देखो ड्रैग किया, ये सभी का टोटल यहाँ पे आ गया। अब अगर हम इनका टोटल यहाँ पे रुपीज़ में चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नंबर फॉर्मेट यहाँ पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जीरो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जीरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर्सर रखेंगे, ये कर्सर रखा, इसके बाद स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद डबल कोड लिखने के बाद यहाँ पे रुपीज़ लिखा, रुपीज़ लिखने के बाद डबल कोड इसको बंद किया, बंद करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इक्वल टू के बाद यहाँ पे सम के बाद यहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेंज सेलेक्ट की, इसके बाद ब्रैकेट बंद की, इसके बाद एंटर प्रेस किया, तो ये देखो इन सभी का सम यहाँ पे रुपीज़ में आ जाएगा, ये देखो। तो इस वीडियो में हमने जाना कि टेक्स्ट को नंबर में कैसे चेंज किया जाता है और उनका सम कैसे किया जाता है के बारे में इस वीडियो में सीखा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।